राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के प्रत्याशी होंगे। जी हां, एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर बैठक के बाद यह ऐलान हुआ है। टीएमसी ने यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा था। यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्षी दलों की हरी झंडी मिलने के बाद ये साफ हो गया है कि वो ही विपक्षी दलों के प्रत्याशी होंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए। आपको जानकारी साझा दे दें कि भाजपा को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे यशवंत सिन्हा। 13 मार्च 2021 को बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी यशवंत सिन्हा रह चुके हैं और उनका नाम अब एक लंबे मंथन के बाद, चूंकि टीएमसी का दामन उन्होंने थामा था, लेकिन जिस तरह से अटकलें पहले सामने आ रही थी तो मंगलवार को उन्होंने टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि अब टीएमसी को छोड़कर के एक मजबूत विपक्ष को वृहद और व्यापक करने की दिशा में वो काम करेंगी। और लगातार उनके इस बयान से, उनके इस प्रतिक्रिया से ये तो जाहिर ही हो गया था कि विपक्ष को अगर मजबूत करने की बात कर रही है तो यकीनन जिस तरह से विपक्ष की मजबूती का भी सबसे बड़ा संकेत और सबसे बड़ा अगर कोई ऐलान हो सकता है तो राष्ट्रपति चुनावों में प्रत्याशी के तौर पर जिसका मंथन भी चल रहा है वो हो सकता है। उनके उस बयान के बाद ये कयास और लगातार आज सुबह से ही अटकलें तेज हो गई थी कि आज नाम का ऐलान हो सकता है। तो अब ये साफ हो गया है कि विपक्षी दलों की हरी झंडी जब मिली तो यशवंत सिन्हा के नाम पर आम सहमति बन गई है। मेजॉरिटी के साथ में ये सहमति बनी है। 19 विपक्षी दलों ने उन्हें अपनी सहमति दी। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के प्रत्याशी होंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर बैठक हुई और बैठक के बाद यह ऐलान कर दिया गया। टीएमसी ने यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, उसके बाद में इस पर ग्रीन टिक हो गया है। उनके नाम के आगे यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्षी दलों की हरी झंडी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि तमाम विपक्षी दल जब साथ में बैठकर मंथन कर रहे थे और एक जाचक पर पहुंचे, उन्होंने जब इस मुद्दे के लिए एक सूटेबल इंसान के नाम की चर्चा की तो यशवंत सिन्हा का नाम विपक्षी दलों की हरी झंडी मिलने के साथ ही उनके नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर टीएमसी में यशवंत सिन्हा 13 मार्च 2021 को शामिल हुए थे। और उसके बाद जब उनके नाम की चर्चाएं होने लगी थी राष्ट्रपति पद में उम्मीदवार को लेकर के, तो लगातार उन्होंने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए अब आपको बताते हैं अब तक के राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950, ये समय, ये तारीख आपको बता रहे हैं क्रमशः है अब तक के राष्ट्रपतियों के। और ये 15वें राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होने वाला है। महत्वपूर्ण है देश के प्रथम नागरिक का चुनाव। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 3 मई 1962 राष्ट्रपति चुने गए। तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को। उसके बाद वराहगिरी वेंकट गिरी 3 मई 1969 को राष्ट्रपति। उसके बाद में मोहम्मद यादतुल्लाह 20 जुलाई 1969 को। वराहगिरी वेंकट गिरी 24 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति के तौर पर आसीन हुए। फरखुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 को। बासप्पा दनप्पा जगती 11 फरवरी 1977 को। और उनके बाद में नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 को। ये अब तक के राष्ट्रपति आपको ज्ञात होगा। किसके अलावा ज्ञानी सिंह जेल सिंह भी राष्ट्रपति बने। रामस्वामी वेंकटरमण 25 जुलाई 1987 को। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति के पद पर। देश के राष्ट्रपति के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 को। एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को। इनके बाद में प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति 25 जुलाई 2007। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012। और उनके बाद में रामनाथ कोविंद जो कि वर्तमान राष्ट्रपति देश के हैं 25 जुलाई 2017 को। तो ये क्रमशः है अब देश इंतजार कर रहा है देश के 15वें राष्ट्रपति का। और आज विपक्षी दलों की ओर से प्रत्याशी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए यशवंत सिन्हा के नाम के ऐलान के साथ में ही अब ये स्थिति और भी ज्यादा क्लियर चप हो जाए। चलिए अब आप यशवंत सिन्हा को जरा जाए। यशवंत सिन्हा ने 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दिया था। जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति से इसके बाद वो जुड़ गए और उसके बाद में 1986 में पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव उन्हें नियुक्त भी किया गया। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 1988 में राज्यसभा का सदस्य यशवंत सिन्हा को चुना गया। 1989 में जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में नवंबर 1990 से जून 1991 तक वित्त मंत्री वो रहे। जून 1996 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी यशवंत सिन्हा बने। मार्च 1998 में वित्त मंत्री उन्हें नियुक्त किया गया।
ये तमाम उनका राजनीतिक सफर 22 मई 2004 तक नई सरकार के गठन तक विदेश मंत्री के तौर पर आसीन रहे। लोकसभा में हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया। 2004 के चुनाव में हजारीबाग सीट से यशवंत सिन्हा की हार हुई थी। 2005 में फिर से उन्होंने संसद में प्रवेश किया और 13 जून 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दिया। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। 13 मार्च 2021 को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्हें बनाया। तो आज जब घोषणा की गई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर क्या कुछ इस दौरान कहा गया, सुनिए जरा। The appeal is to all political parties to support the candidature of Shri Yashwant Sinha so that the nation can have a worthy Rashtrapati elected unopposed. India is passing through difficult times. The BJP government at the center has failed totally in fulfilling its promises and commitments. Furthermore, it is misusing the ED, CBI, Election Commission, Governor's Office and other institutions as weapons against opposition parties and state governments run by them. Therefore, we assure the people of India that the unity of opposition forces, opposition parties, which has been forged by the presidential election in a spirit of equality, common commitment and consensus building through dialogue will be better consolidated in the months ahead. A committee has been formed to steer Shri Sinha's campaign, which will start working today. अभी आपके सामने एक joint statement, detail हमारे जयराम रमेश जी ने कहा है। एक खुशी की बात है कि सभी पार्टियों ने मिलके, सभी अपोजिशन पार्टी मिलके एक ही उम्मीदवार को यूनानिमसली उनको फाइनल किया है। दादा से जो सहमति जो आई जिस पे नाम पे, हम चाहते थे विपक्ष का एकता हो और उनके अंदर जो क्षमता है, क्योंकि पहले भी केंद्र मंत्री रह चुके हैं, उनके अंदर भी क्षमता है कि संविधान की संरक्षक है राष्ट्रपति, और वो संरक्षण जो है वो करने की क्षमता है, और इसलिए हमने कहा कि पूरे विपक्ष अगर इकट्ठा हो रहा है तो हमें होना चाहिए आज के दिन, ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, टकराव जो है नाजुक है और ये तय होगा जो आज ना बीजेपी के एनडीए में है ना विपक्ष के इस साथ है। ऐसे पार्टियां हैं जो शासक पार्टियां हैं कुछ राज्यों में, उनके ऊपर निर्भर करेगा वो किस तरफ मुड़ेगी। Only one candidate can be proposed. You cannot propose two candidates, three candidates. So only one candidate. So he is the one candidate the opposition parties have agreed to propose. It is a unanimous decision based on consensus, no difference, nothing. Number, let us wait and see, because the MPs, MLAs will have to vote and we do not know whom the BJP is going to propose, and it all depends upon various factors. But it is an ideological battle, it is a political battle in defense of constitution, in defense of democracy in the country. Let us wait, we will fight.